Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where I cover daily current affairs with you on this platform. 7th of March daily news analysis के साथ आज हम previous year questions जो है वो भी साथ में देखेंगे. basically जो article होगा उससे associated previous year question कैसे UPSC पूछता है and the way to solve it also वो भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे. कल भी मैंने session में आपको काफी previous year questions दिए थे तो उनके answers I think पहले हमें देख लेने चाहिए. one of the aspirant वो answers mention करते हैं in the chat section, good to see that. और मैं expect करूँगी सभी के answers in the comment सेक्शन. इन बिटवीन द सेशन जो मैं क्वेश्चंस आपको साथ साथ में दूंगी, ट्राई टू आंसर दैट आल्सो. तो विदाउट टेकिंग योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, तो सिंपली लेट अस स्टार्ट एंड सी. तो हमने कल एक रिपोर्ट कवर करी थी दैट वाज रिलेटेड टू द वुमेन सेक्शन. वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड थी, वुमेन लॉ एंड बिजनेस रिपोर्ट थी, राइट. तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू में अब क्वेश्चन कैसे आते हैं रिपोर्ट से, तो वो भी हमने एक बार देख लिया. पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिपोर्ट का नाम है, ये रिपोर्ट बेसिकली कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है, और कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए थे. तो जैसे कि विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट जिसको हमने कल कवर किया था, वो रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. तो वैसे ही अब सामने देखो ये क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. इंडिया की रैंकिंग इन दिस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग. चार ऑप्शंस थे, बहुत ही सिंपल सा आंसर, दैट इज वर्ल्ड बैंक. आंसर मैटर नहीं करता, बट मैटर इज हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग द ऑप्शंस फॉर यू. क्वेश्चन आ गया रिपोर्ट और उसको कौन पब्लिश करता है. सो दिस वॉज आस्क्ड बैक इन 2016. एक और क्वेश्चन देखो, कल हमने टी के बारे में जाना, कहाँ कल्टीवेशन होती है, इंडिया परस्पेक्टिव से, इंडिया का स्टेटस, हमारा एक्सपोर्ट, एवरीथिंग इन डिटेल. टी बोर्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था कल. तो अभी क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी ने टी बोर्ड से एसोसिएटेड ही पूछा. हैव अ लुक ओवर इट कि स्टेटमेंट को कैसे फ्रेम किया है, राइट. द टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज रेगुलेटेड, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु एंड द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस इन दुबई एंड मॉस्को. तो यहां पर अगर आप कल के सेशन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया था कि टी बोर्ड का हेड ऑफिस बैंगलोर के अंदर नहीं है. इसका हेड ऑफिस कहां पर है वो आप बताएंगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आप बता सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बताएंगे तो फिर मैं बता दूंगी. टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक दो स्टेटमेंट्स भी पता है तो भी हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व हो जाता है. आप कुछ 50-50 जो गैस होती है उस पर आ सकते हो और फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम मैं पहले आपके सामने आंसर रख देती हूँ इस क्वेश्चन का. आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका जो ओवरसीज ऑफिस है वो दुबई और मॉस्को में है. ये बिल्कुल करेक्ट था, हमने पढ़ा भी है. मतलब आप कल को अगर ये पढ़ रहे हो तो आपको हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, ये सब पता होना चाहिए. नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि मिनिस्ट्री कौन सी है. मिनिस्ट्री जो है इसकी, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो ये याद में रखना, ये बॉडी क्रिएट हुई थी विद टी एक्ट 1953. पहली बात, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट का नाम पता होना चाहिए. कॉमर्स मिनिस्ट्री है और हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर नहीं है, हेडक्वार्टर है कोलकाता में. तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया. अगर आपको पता होता कि इसका सिंपली हेडक्वार्टर ही कहां पर है तो आप इसको एलिमिनेट कर देते ए को और ऑप्शन सी को, तो यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन. मतलब आप 50-50 वाले केस में आई जाते, राइट. तो एक आधी इंफॉर्मेशन से भी आप एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और कभी कभार तो कंप्लीट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. ये क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कोई भी बॉडी पढ़ रहे हो तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, तो ये सब चीजें अब आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर कवरिंग एनी टॉपिक. चलिए आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन पब्लिश करता है, दैट इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन थे ये, 2014 का क्वेश्चन है. ओके,
अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड. विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. तो चार स्टेटमेंट्स आपको दे दी और बोला कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है. चार स्टेटमेंट्स हैं. 2017 में पूछा ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड. टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग दी प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स. ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का. पोषण अभियान सबने पढ़ा होगा. टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनेमिया अमंग द यंग चिल्ड्रंस एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स. ये भी ऑब्जेक्टिव था. ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. इट इज नॉट रिटन टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स पॉलिश राइस एंड टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स. सो देर इज नो मेंशन रिगार्डिंग दिस प्रमोशन ऑफ दिस राइस दिस मिलेट्स एंड दिस एग्स. सो ये नहीं है. रेदर देन मतलब टू इम्प्रूव द मेटर्नल एंड द अंडर चाइल्ड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन. तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है. पोषण अभियान सुना है ना. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज ऑल्सो नोन एज पोषण अभियान राइट. तो वो तो अभी रिसेंटली पोषण माह भी. अच्छा मुझे चलो एक चीज बताओ, पोषण माह हम कौन से मंथ में ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, आई वॉन्ट आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. कल हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर. तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था दैट वॉज रिलेटेड टू चौसठ योगिनी टेम्पल. अब ये क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो सबसे पहले तो अगर आप इफ यू आर वेरी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स तो आपको पता होगा जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग इट इज बीइंग बिल्ड विद द इंस्पिरेशन ऑफ द डिजाइन ऑफ दिस टेम्पल. ये टेम्पल दिख रहा है सर्कुलर टेम्पल है ये. तो जो पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग है अगर आपको पता हो तो दैट इज ऑल्सो डिजाइन इन दिस बेसिकली सर्कुलर पैटर्न राइट. तो फोर स्टेटमेंट देखो. इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग. करंट अफेयर्स मतलब कैसे आप यहां से भी करंट ओरिएंटेड हो रहे हो. तो वो जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ रहे हो बात को कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. कि जैसे हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था तो ये सब चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज आपके करंट मतलब आर्ट एंड कल्चर को भी आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते हो. दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब ये सर्कुलर मोशन में तो ये मतलब आप फोटो में ही देख रहे हो कि इन सर्कल ये होता है. लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि पूरा का पूरा मतलब इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया. बहुत से और भी टेम्पल्स हैं दैट आर बिल्ड इन सर्कुलर पैटर्न. ये भी सर्कुलर में है बट ऐसा कहना कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया ये गलत हो जाएगा. अगर ये गलत है सिर्फ ये सेकेंड स्टेटमेंट और टर्म है ओनली ओनली जैसे कीवर्ड्स मोस्टली मतलब आई वुड से 85% गलत हो जाते हैं बट ये नहीं है कि हमेशा गलत होंगे. तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर मेरी गलत है तो सिंपली आई कैन कम टू द आंसर. देखो हाउ ब्यूटिफुली यू आर अराइजिंग टू द आंसर बेस्ड ऑन हाफ हाफ भी नहीं करूंगी वेरी लिटिल ऑफ इंफॉर्मेशन राइट. तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. इट इज अ सर्क्यूलर टेम्पल दैट इज बिल्ड अंडर दिस डायनेस्टी. अगर आपसे अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि दिस वॉज बिल्ड अंडर दिस सेम डायनेस्टी राइट. और उसके बाद एक और स्टेटमेंट भी है वो गलत भी है क्योंकि ये इट इज़ नॉट बेसिकली द रीजन जो यहाँ पे मेंशन है इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवी कल्ट इन द रीजन. नहीं दैट इज शिवाइट कल्ट. ठीक है तो ये भी गलत हो गया. आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया है कि क्या इसका आंसर है और कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो. सो आंसर इज सी. ओके तो आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं वो देख लीजिए. पहला तो आपके बारे जो है एरिथ्रोटोल आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. एरिथ्रोटोल एक पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर. ये आपके हेल्थ के सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो. साइंस एंड टेक से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. सेक्शन को इसके बारे में पढ़ेंगे एंड इससे एसोसिएटेड मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी. यूपीएससी ऑलरेडी पूछ भी चुकी है. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 लिंकेड विद जीएस पेपर 2. और यहां पर जल शक्ति ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है और इसके साथ एक और कैंपेन भी है जल जीवन मिशन के बारे में सबको पता ही होगा राइट. तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए. अच्छा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. जल जीवन मिशन हर घर जल
तो ये अभी 2023 2024 में बजट के अंदर कितने करोड़ की एलोकेशन इसको करी गई है? एनी गेसेस दैट यू कैन मेक 2023 2024 में जल जीवन मिशन को कितना एलोकेशन हुआ है, कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है, दैट यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. अगला जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो एनवायरमेंट सेक्शन में, जहां पर हम मगर क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी इसके स्पीशीज के टाइप्स हैं, विल टॉक अबाउट देम. कोर्ट मार्शल जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. व्हाई कोर्ट मार्शल इज ए न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर की एक न्यूज है, उसके रिगार्डिंग आपसे पॉलिटी में स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. बहुत से आर्टिकल्स एडिटोरियल्स आपको कॉटन इंडस्ट्री पे मिलेंगे, सो कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम इस एडिटोरियल को कवर करेंगे, जहां पर इन डेप्थ मेंस का आंसर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लिख सकते हो. सो मेंस का आंसर देखेंगे, प्रीलिम्स से ऑलरेडी क्वेश्चन कॉटन सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है ज्योग्राफी का, उससे भी लिंक कर सकते हो. तो जीएस पेपर 1 पेपर 2 आप इसे लिंक कर सकते हो. ज्योग्राफी से देखो तो कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सो यू कैन लिंक विद दैट. INS त्रिकंड डिफेंस सेक्टर से आप इसको लिंक कर सकते हो, और डायरेक्ट प्रीलिम्स से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस INS के बारे में भी जानेंगे. सो आई थिंक अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई थिंक सिंपली लेट स्टार्ट द लेक्चर देन. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल सी, सॉरी आर्टिकल दैट यू विल सी इज रिगार्डिंग एरिथ्रिटल. चीनी यूज करते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, शुगर होती है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज करते हैं, जिससे मतलब उनका शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता, लेकिन वो जो मीठे का टेस्ट आता है, राइट. सो वही बात हो रही है, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम यूज कर रहे हैं, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक. मतलब कैसे, है ना, ये भी जानने की बात है, तो इसको भी पढ़ेंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, ये जो टर्म है दैट इज इन न्यूज, ये आपसे पूछ लिया जाएगा. इट इज रिलेटेड टू एरिथ्रिटल, एक पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. अब क्या है ना, जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो जो आपके प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के बारे में सबने सुना होगा, दैट आर द ब्लड ब्लड सेल्स होती है डिस्क शेप, तो ये इट कॉजेज क्लॉट्स, तो ये क्लंप कर जाते हैं टुगेदर, जब कहीं से खून निकलता है, राइट, तो फिर वहां पर खून जम जाता है, वो क्लॉट बन जाता है. ऐसे ही क्या होता है, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट मेक्स, इट एक्टिवेट्स दोज प्लेटलेट्स, एंड दीज प्लेटलेट्स इन योर ब्लड, इन द ब्लड सेल्स, इट दे क्लंप टुगेदर. व्हेन दे क्लंप टुगेदर तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा, द बेसिकली द ब्लड दैट इज बींग सप्लाई टू द हर्ट, टू द ऑल ओवर बॉडी, ऑक्सीजन जो है वो पूरा कैरी करता है, तो वो जो है ब्लॉक कर देगा ब्लड फ्लो को इन द ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, और फिर हार्ट अटैक्स और वेरियस अदर कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज जो होती हैं वो इस रीजन की वजह से होते हैं. दैट इज वाई दिस रिसर्च वॉज देयर, और ये उनका कहना है. ये जो एरिथ्रिटोल की हम बात कर रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर, बेसिकली आप बोल सकते हो एक शुगर सब्स्टिट्यूट है, चीनी नहीं लेते लेकिन चीनी की जगह ये ले लेते हैं, क्योंकि जो एरिथ्रिटोल है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है. आपको देखो इतना साइंस नहीं पढ़नी, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि मतलब जब आप यू यूज टू कंज्यूम शुगर, शुगर कंज्यूम करते हैं, डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं उनका जो इंसुलिन लेवल है वो उसको बहुत इंपैक्ट करता है, लेकिन जब वो इस जो डायबिटीज है जिनको, जब भी आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जिसके चलते इट मे नॉट इम्पैक्ट द इंसुलिन लेवल एज स्ट्रांगली एज द शुगर, राइट. तो कोई कैलोरी भी नहीं है, इट डज नॉट रेज द ब्लड शुगर लेवल्स, तो अनलाइक द ट्रेडिशनल शुगर, दैट इज वाई द पेशेंट्स हु आर जिनको शुगर है, डायबिटीज है, तो वो इसको कंज्यूम करते हैं, राइट. आर्टिफिशियल स्वीटनर दे आर द कॉमन रिप्लेसमेंट्स फॉर द शुगर लो कैलोरी कीटो प्रोडक्ट्स में, लो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, लेकिन एज यू नो, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, एंड पीपल जिनको ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज है, दे लुक फॉर, मतलब वो चीनी की जगह पे दे लुक फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, राइट. तो ये उसका यहाँ पर यूज है, लेकिन इट हैज बीन सजेस्टेड कि इट लीड्स टू वेरियस कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, और इसका रीजन क्या है, दैट आई हैव शेयर्ड. अब 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछा, ट्राइक्लोसिन कंसिडर्ड हार्मफुल वेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम,
इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ दी फॉलोइंग. तो ये टर्म दे दी एंड दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद इट इज प्रेजेंट इन एज फूड प्रिजर्वेटिव, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स और टॉयलेट राइस. तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ ही साथ आई होप यू आर एबल टू सी कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ऐसे ही आपको ये टर्म दे दी जाएगी आर्टिफिशियल स्वीटनर की और चार ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे. चलिए आगे चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है क्या? लेट्स हैव अ लुक. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज ऑर्गेनाइज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, जिसके अंदर जो विमेन हैं, टू ऑनर देम हु वर दी चैंपियंस इन दी रूरल सेक्टर एंड सैनिटेशन सेक्टर, जहां पर हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, हमने जल जीवन मिशन चलाया, तो वहां पर विमेन्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. साथ में देखो विमेन्स वर ऑल्सो ट्रेंड कि अगर आप पानी की सप्लाई देखो, क्वालिटी वाटर एट द सोर्स, मतलब डेस्टिनेशन पे जहां पर हम पाइप में पानी पहुंचे, पाइप वाटर सप्लाई, जो पानी एंड में घर में पहुंच रहा है उसको भी चेक करना कि क्या वो सही पहुंच रहा है या नहीं. तो विमेन्स वर ट्रेंड फॉर दैट, राइट. सो ये ओवरऑल इवेंट जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इवेंट वॉज लॉन्च एंड दिस इवेंट सॉ द लॉन्च ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023. इसको भी अभी पढ़ेंगे, एक सेकेंड का होल्ड दोगे तो, क्योंकि पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सम्मान की, दैट इज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान. तो देखो दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन द रन अप टू द इंटरनेशनल विमेन्स डे 8th of March को. यू नीड टू एक्नॉलेज द लीडरशिप, एजेंडा यही है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन्स एट द ग्रास रूट लेवल्स इन मेकिंग दिस जर्नी, देयर रोल इन दिस जर्नी टूवर्ड्स स्वच्छ सुजल भारत. तो यहां पर 36 विमेन वॉश चैंपियंस वर कन्फर्ड विद दिस सम्मान और 2023 दे वर फेलिसिटेटेड फॉर देयर एग्जेम्पलरी वर्क जो उन्होंने किया, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, इसको इम्प्लीमेंट करने में जो उन्होंने अपने एफर्ट्स दिए हैं, जो काम किया है उसको फेलिसिटेट किया गया. तो यहां पर ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट फेलिसिटेटेड द विमेन अचीवर्स हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सेप्शनली इन द वाटर कंजर्वेशन, इन द ODF प्लस मॉडल विलेजेस. तो ये सिनारियो है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, अब कैच द रेन 2023 लॉन्च किया एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू टर्न द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू अ मास कैंपेन. तो यहां पर कैच द रेन एक जन आंदोलन कैंपेन है जहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वी विल एनकरेज देम टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स टू टर्न, बेसिकली जहां पर आप वो ऑब्वियसली कैच द रेन से ही समझ आ रहा है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हो. थीम देखो अब इसकी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर. टैगलाइन कैच द रेन, जहां भी बारिश हो पकड़ लो, जहां भी वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. बहुत ही अच्छा और कैची सा टैगलाइन है इसका, क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो कैंपेन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. और क्या ये कैंपेन ओनली इन द रूरल एरियाज है? नहीं, मतलब रूरल अर्बन कैच द रेन तो कोई भी करेगा ना. द कैंपेन सबको अवेयर करना है. सो ये याद में रखना, इट इज बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. 2012 में अभी नेशनल वाटर मिशन देखा है ना, अब नेशनल वाटर मिशन के बारे में एक क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट्स हैं. यूपीएससी ने पूछा था 2012 में, इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड हाउ विल इट इंपैक्ट द कंट्री. तो चार स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सा दिमाग की बत्तियां जलानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है. मैं इसका डिस्कशन करूंगी आपके साथ कल, जब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज आपके होमवर्क हैं वो लेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. मगर क्रोकोडाइल्स के बारे में ये है. रिसेंट स्टडी के हिसाब से एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स लाइक इलीगल फिशिंग एंड सैंड माइनिंग दे आर पोजिंग थ्रेट टू द मगर क्रोकोडाइल्स. साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस प्लास्ट्रिस ऑफ द राप्ती रिवर. रिवर तो मतलब यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक. फ्लोइंग अलोंग द चितवन नेशनल पार्क. अच्छा, मुझे मैं इस टॉपिक के आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि चितवन नेशनल पार्क से मुझे एक चितवन डिक्लेरेशन याद आ गई है जिसको हमने कवर किया है. डू यू रिमेंबर That Chitwan Declaration, कौन कौन सी countries हैं इसमें associated, you will mention in the comment section. ऐसे ही you have to link. We have already covered it. Chitwan National Park कहाँ पर है? Any idea? करा है हमने cover. Nepal के अंदर. If you remember, Chitwan Declaration किस लिए थी? For which species? कुछ याद आ रहा है? Asian rhinos.
जहां पर मैंने आपको राइनोज की सारी स्पीशीज कवर करवाई थी, राइट? सो चितवन डिक्लेरेशन इज फॉर द एशियन राइनोज कंजर्वेशन, चितवन डिक्लेरेशन, जहां पर बिहार इज टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स, बिहार का कहना है विल दे विल मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स थ्राइविंग द राइनो पॉपुलेशन इन देयर स्टेट बाय 3% एनुअली. कौन कौन सी यहाँ पर डेलीगेट्स थे ये आपको बताना है. मतलब मैंने आपको हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन बता दी. मेजर तो यही है चितवन डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, राइनो से, एशियन राइनोज. अब कौन कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड थी, इंडिया था नहीं था, ये अब आप बताओगे. चलो बिहार है तो वहां से लिंक भी हो ही सकता है, बट इसके बारे में पढ़ोगे एंड या मेंशन द आंसर इन दी नाउ कमेंट सेक्शन. चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, नेपाल के अंदर है. अब बात करते हैं अच्छा एक और सवाल, देखो लिंक कर पा रहे हो इलीगल फिशिंग से. हमने कल एक और स्पीशीज की भी बात करी थी जिनकी वी वर सीइंग दैट दे वर आल्सो माइग्रेटिंग कोरोमंडल कोस्ट, याद आ रहा हो अगर हमने कल लिंक किया था. मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी एक अभी उससे. अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक से आप कितनी चीजों को लिंक करके वापस से रिविजन कर सकते हो, ये एक परस्पेक्टिव समझने का है. मगर क्रोकोडाइल्स, और ये इस सेशन का पर्सपेक्टिव भी है कि जब एक टॉपिक से एसोसिएटेड कोई और चीज भी न्यूज में है जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो एक बार वो वापस से दिमाग की बत्तियां जलें और उसको रिकॉल कर लें. मगर मार्श क्रोकोडाइल, आप ये तस्वीर देख सकते हो, इट इज वन ऑफ द 24 एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स. दे आर फाउंड ग्लोबली, नेटिव टू फ्रेश वाटर एंड दी इनहैबिट्स मार्शेस, लेक्स, रिवर्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स. ये आपको इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी गंगा जो रिवर है, बिहार, झारखंड, चंबल नदी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, वहां पर. सो इट इज फाउंड इन द 15 इंडियन स्टेट्स. वैसे दे आर फाउंड ऑल ओवर द साउथ एशिया, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, एज वेल एज द साउथ ईस्टर्न ईरान. मगर क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है और साइट्स में अपेंडिक्स वन में है. जब मैं इन क्रोकोडाइल्स की बात कर रही हूं तो आपके माइंड में दो क्रोकोडाइल्स और आते होंगे, दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल. आपके लिए होमवर्क है, इनका कंजर्वेशन स्टेटस जरा प्लीज मेंशन करिएगा इन दी कमेंट सेक्शन, जो कि अब आपको एक चितवन डिक्लेरेशन और ऊपर से एक ये क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन स्टेटस भी बताना है. ठीक है, देखो एवरीथिंग अगर आप बोलो स्पून फीडिंग से हो जाए वो नहीं होता है, सेल्फ एनालिसिस भी करनी रहती है. खुद से भी अगर सर्च नहीं करोगे तो मतलब वो रैशनल थिंकिंग और वो क्यूरोसिटी नहीं है तो आई थिंक वो फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का. अब रिवर मेंशन है न्यूज में तो विदाउट टॉकिंग अबाउट रिवर ये एक टॉपिक इनकम्प्लीट होगा. ये आप देख सकते हो राप्ती रिवर, ठीक है, यहां से ये फ्लो करती है. सो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स इन महाभारत हिल्स लोअर द रेंज ऑफ हिमालयस तो एंड फ्लो वेस्टवर्ड अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ चितवन नेशनल पार्क. नेपाल से फ्लो करती हुई ये फाइनली जो है ये ज्वाइन करती है किसको, घाघर रिवर को. इट ज्वाइंस द रिवर जो कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. तो आई होप ये भी अब आपको याद रहेगा. राप्ती रिवर जो है ड्रेन्स इन द मिड वेस्टर्न रीजन इन नेपाल, देन फिर अवध मतलब यूपी में एंटर कर गए एंड पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश और फिर घाघर को ज्वाइन करती है, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है, तो ये अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया. राप्ती रिवर के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन, स्पीशीज के बारे में भी पता चल गया. अब आपके लिए क्वेश्चन है, वी कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, विच ऑफ द अबव इज और आर मैमल्स. 2013 में ये क्वेश्चन था, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन. अगर आपको याद हो वही तो मैं बोल रही हूं कि हमने कवर किया है एक स्पीशीज कल. वो स्पीशीज जो है वो कौन सी स्पीशीज थी, मतलब अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अगर समझ आ रहा है कि कैसे पूछती है यूपीएससी तो हमने कल वही स्पीशीज भी कवर करी थी, राइट? तो उसके लिंक में आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो. हमने कल ग्रेट सी हॉर्स के बारे में डिस्कस किया था. चलो मैं आपको बता भी देती हूँ, सी हॉर्स यहाँ पे एक ऑप्शन भी है. तो सी हॉर्स के बारे में कवर किया था, जहां हमने बताया था कि एक्सटेंसिव फिशिंग ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट उसने फोर्स किया है ग्रेट सी शोर्स को, दैट दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स उड़ीसा, राइट? तो ये न्यूज थी. तो आई थिंक अब आप लिंक कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. अब चलते हैं आपके अगले न्यूज आर्टिकल पे, दैट इज रिलेटेड टू, देखो ये न्यूज जो है ये एज अ न्यूज ही रहे, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लेकिन इससे स्टैटिक पड़ता है जहां पर आपको कोर्ट मार्शल्स के बारे में पता होना चाहिए. क्वेश्चन न्यूज इसलिए है क्योंकि एन आर्मी कोर्ट मार्शल इन जम्मू एंड कश्मीर हैज रिकमेंडेड
life imprisonment for a captain in connection with the killing of three men in the stage encounter. Ek stage encounter mein three men at the remote hilly village. There was a killing in the Shopian district. Basically, वहाँ पर laborers थे, but उनको मतलब इसका एक reason full and fledged we cannot say, but हमारे लिए important यहाँ पर army court martial के बारे में जाना है जब उन्हें they were being suspected as terrorist. तो ये जो भी न्यूज है इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कोर्ट मार्शल्स हैं. कोर्ट मार्शल्स क्यों न्यूज में आए यहां पर? जब हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस की, राइट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्म फोर्सेस, तो उनके लिए जो मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं, दैट इज मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट मार्शल उनके लिए बेसिकली कोर्ट मार्शल्स आर दोज द अथॉरिटी टू जज द गिल्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. जब आर्म फोर्सेस का कोई गिल्ट हो, उनके बारे में बात करनी हो, दे आर एक्यूज, दे आर फाउंड गिल्टी, तो उनके लिए देर आर कोर्ट मार्शल्स, एंड कोर्ट मार्शल हैज बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू जज द गिल्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस विच इज सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ. एंड इन द केस इफ द एक्यूज और डिफेंड इज फाउंड गिल्टी, पनिशमेंट इफ दे वॉन्ट टू कैरी, तो बेसिकली कोर्ट मार्शल्स आर देयर. प्रोविजन्स कौन से हैं दैट आर रिलेटेड टू कोर्ट मार्शल्स? याद कर लेना, आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007, इट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल. ये दिस ट्रिब्यूनल आर एम्पावर्ड विद द डिस्प्यूट्स कंप्लेन्ट्स दैट आर रिलेटेड टू the persons that are subject to, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी एक्ट हो या फिर एयरफोर्स एक्ट 1950, तीनों. अब ये ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन होता है? जुडिशियल मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ आर्मी का है तो आर्म फोर्सेस के मेंबर भी होते हैं. जुडिशियल मेंबर्स में दे आर द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो होंगे वो रिटायर्ड मेंबर्स होंगे आर्म फोर्सेस के हु हैव हेल्ड द रैंक ऑफ मेजर जनरल या फिर दे वर और अबव द पीरियड ऑफ 3 years और मोर. साथ में जुडिशियल एडवोकेट जनरल भी हैं हु हैज हेल्ड द अपॉइंटमेंट फॉर एटलीस्ट 1 year, राइट. तो ये है कॉम्पोजिशन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की. अभी जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं दे आर ऑफ 4 kinds डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की, जनरल, डिस्ट्रिक्ट और वैसे करके 4. आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है. दो बातें याद में रख लेना कि अंडर द आर्मी एक्ट ये जो आर्मी कोर्ट्स होते हैं दे कैन ट्राई द पर्सनल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑफेंसेस एक्सेप्ट 2, पूछा जा सकता है एग्जाम में, मर्डर एंड रेप ऑफ द सिविलियन. और अगर बात रही पार्डनिंग पावर की, द प्रेसिडेंट कैन यूज हिज जुडिशियल पावर अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मार्शल के केस में भी टू पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रीमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सेंटेंस जो कि कोर्ट मार्शल ने अगर दी है. तो ये जो टर्म दिख रहे हैं ना ये आपके पॉलिटी के स्टैटिक से लिंक्ड है. आप मुझे इनके मतलब बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? पढ़ोगे और खुद से इनके मीनिंग यू विल टेल. पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन के 4 क्या मतलब है? ओके, ये एक आर्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. कॉटन रिलेटेड है, कॉटन से एसोसिएटेड काफी चैलेंजेस जो कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रही है उसको हम कवर करेंगे यहां पर इन डिटेल, ठीक है? तो ऐसा आर्टिकल आपको एडिटोरियल दिख रहे होंगे, कॉटन क्राइंग आउट फॉर चेंज, कॉटन इंडस्ट्री इज फेसिंग अ नंबर ऑफ सीरियस चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस हैं, क्या टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं. उससे पहले एक ये क्वेश्चन है, इस आर्टिकल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. डिस्कस द चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द कॉटन सेक्टर इन इंडिया एंड ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स टू एड्रेस द इशूज दैट आर फेस्ड बाई द कॉटन फार्मर्स एंड इंश्योर देयर वेलफेयर. क्वेश्चन मिल गया, आज का क्वेश्चन है मेंस का, आंसर खुद से लिखना है, बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा. इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का एंड लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन, यू ऑल नो दैट दे इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, लेकिन फ्रॉम द रीसेंट ईयर्स वी हैव सीन ये जो सेक्टर है इट इज फेसिंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कॉटन की प्रोडक्शन के अंदर. कॉटन की आउटपुट जो है इट इज फॉलिंग कॉन्टिन्यूसली, देर इज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन और जिससे कि इट इज बेसिकली इट इज अफेक्टिंग द ग्लोबल प्राइसेस, ट्रेड डायनेमिक्स. रीजंस क्या है? आर्टिकल के अंदर सबसे बड़ा रीजन दिया है क्लाइमेट चेंज को भी, वेदर को, जहां पर देखो फेब्रुवरी के मंथ में ही गर्मी आ गई अभी, है ना? तो बेसिकली रीजंस बहुत से हैं, वेदर है बेसिकली द फैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम वेदर कंडीशंस टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट फोर्सेस एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से द इन्फेस्टेशन ऑफ दिस पिंक बॉलवॉर्म. ये एक बेसिकली मैं अभी आपको जब पेस्टिसाइड्स के बारे में इसी आर्टिकल में पढ़ेंगे तो बताऊंगी. तो काफी चीजें हैं दैट हैव रिसेंटली थ्रेटन्ड द कॉटन फार्मर्स एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसका इफेक्ट क्या होता है? कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स, डोमेस्टिक मार्केट प्राइस इंक्रीज होना
और देखो चाइना का एक रीजन है जिंगजियांग रीजन, ये जो रीजन है ये हमसे जो कॉटन लेता है, अब कॉटन जो है रॉ कॉटन बहुत से इफेक्ट आगे इंडस्ट्रीज में वैल्यू एडिशन करती है, टेक्सटाइल में कॉटन की टी शर्ट्स होती हैं राइट, तो वहां पर ये दे यूज द रॉ कॉटन। लेकिन अब यहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन डिक्लाइन होने की वजह से जो जिंगजियान रीजन है वो यूएस से, यूएस जो है वो चाइना के जिंगजियान रीजन से इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, चाइना हमसे लेता है रॉ। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस है, क्योंकि देवर रिलाइंग ऑन द रॉ कॉटन दैट इज सोर्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो अभी इतनी हो नहीं रही है, इट हैज इम्पैक्टेड, तो ये एक बहुत इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया। दूसरा टर्की में हमारा जो मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी टर्की के अंदर, वो भी अर्थक्वेक से हिट हो गई, तो उस पर भी इंडिया का इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये सारे रीजन्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन रीजन मुद्दा ये है कि क्या इशू है, मतलब कॉटन सेक्टर इंडिया में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है। पहले तो कॉटन क्रॉप जो है दे आर प्रोन टू पेस्ट इन्फेस्टेशन, जिसमें मैंने आपके साथ अभी पिंक बॉलवर्म की बात करी। क्या रीजंस हैं, देखो हम लोग एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करते रहते हैं, मोनोकल्चर, लैक क्रॉप रोटेशन नहीं करते, एक बार एक क्रॉप उगाई अगली बार दूसरी उगा ली, वो सब नहीं है। वेदर कंडीशंस देखो, मतलब चेंज, क्लाइमेट चेंज, सॉयल की क्वालिटी पुअर है, पेस्ट मैनेजमेंट में हम वी आर लैकिंग इन, तो दे आर द रीजंस जिससे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है। प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, क्योंकि इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये इम्पैक्ट कर रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज एडुकेट नहीं है, जो कि कॉटन फार्म इरिगेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, लेकिन वो नहीं है। जो सीड है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो इम्पैक्ट करता है। मॉनसून पे डिपेंडेंट हो आप, लेकिन वही इट इज, अगर आप मॉनसून पे डिपेंडेंट हो तो दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड इरेटिक, इससे क्रॉप फेलियर होने के चांसेस हाई है। इंडिया में जो कॉटन फार्मर्स हैं वो डेट से, मतलब दे आर बर्डन्ड विद डेट, जिससे कि फाइनली वो साइकिल शुरू हो जाती है फिर पॉवर्टी की और इनडेटनेस की। कॉटन 5.8 मिलियन फार्मर्स बेसिकली अपने लाइवलीहुड जो है, इट इज एस्टिमेटेड कि उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, एंड उससे भी ज्यादा फिर आगे कॉटन प्रोसेसिंग, कॉटन ट्रेड, तो 40 to 50 मिलियन पीपल आर एंगेज इन दिस एक्टिविटीज। तो ये सारा कुछ उनपे, फार्मर पे डेट आता है। मार्केट एक्सेस नहीं है, तो बेसिकली दे आर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ लो प्राइसेस टू द मिडल मैन। ये सारे इशूज हैं जो कॉटन सेक्टर आज करंटली फेस कर रहा है। सोल्यूशन भी है, क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज करो, न्यू क्रॉपिंग सिस्टम लेकर आओ, न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, मार्केट लिंकेजेस बढ़ाओ, फार्मर्स को बेटर प्राइसेस दो कॉटन की, एमएसपी की बात हो सकती है यहाँ पर, प्रोक्योरमेंट सिस्टम कॉटन का प्रॉपर क्रिएट, प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड्स फॉर कॉटन, सो देयर कैन बी डिफरेंट सॉल्यूशंस टू दिस सेक्टर। वैल्यू एडिशन को एनकरेज करने की जरूरत है, जैसे मैं बोल रही हूँ कॉटन तो मतलब रॉ कॉटन, आगे इसका बहुत सारा यूजेस है टेक्सटाइल में, क्लोथिंग में, होम फर्निशिंग में, तो वो कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, इरिगेशन फैसिलिटीज, रोड, स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस का स्टोरेज, ये सब कुछ होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू कॉटन वेराइटीज की, उसमें वी कैन हेल्प इन, तो ये सारे रीजंस हैं दैट कैन गो अलॉन्ग विद इट। कॉटन जो है उसको टेम्परेचर चाहिए 21 to 30 degrees Celsius का, रेनफॉल 50 to 100 centimeter, वेल ड्रेन ब्लैक कॉटन सॉइल। इंडिया में बेसिकली टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिया है, फिर चाइना, फिर यूएसए, और टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पहली गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बीटी कॉटन सबसे पहली, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, इंडिया के अंदर जो अप्रूव हुई, और उसके बाद देर आर 4 कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ कॉटन ऑल्सो, पूछा जा सकता है एर्बोरियम, हर्बेसियम, हिरिस्टम, ये सारी स्पीशीज जो हैं ये किसकी स्पीशीज हैं, आपको बताना है बस इतना सा, और आप कह देना कि ये कॉटन की स्पीशीज हैं, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, देखो द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ट्राई टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर ये सेशन होता है कंप्लीट, आई होप यू एंजॉयड एंड यू लर्न्ड एंड यू विल आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सेशन कैसे लगता है, डू टेल मी, डू शेयर योर फीडबैक्स, डू मेंशन द आंसर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दो। श्रीराम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, शेयर दीज सेशंस विद योर अदर फ्रेंड्स आल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू एवरीवन, आई आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ एंड विल मीट यू टुमारो विद द अदर डीएनए, दैट इज डेली न्यूज एनालिसिस। टेक केयर।